Ouais. दोस्तों नमस्ते, मैं आशीष शर्मा मदरसा एजुकेशन आपके चैनल पे एक बार फिर हम लोग आए हैं इंग्लिश की टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन लेके। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 76 क्वेश्चन आपके सामने है ये, और टेस्ट सीरीज आपकी 193। ठीक है, इंग्लिश का सॉल्यूशन लेके मैं यहाँ पे सामने हूँ आपके। और देखिए पहला क्वेश्चन, फाइंड द सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। आपको दिए गए शब्द का क्या करना है, गिवन वर्ड का हमें सिनोनिम लेना है। पेनिटेंस होता है प्रायश्चित या पछतावा। क्या होता है भाई पेनिटेंस? प्रायश्चित या पछतावा। ठीक है, अब हमें इसका सिनोनिम ढूंढना है। एडमिरेशन आप जानते हो क्या होती है, प्रशंसा। एडमिरेशन क्या होती है? प्रशंसा होती है। क्लियर? तो ये आंसर होगा क्या? नहीं होगा। मिजेरी दुख होता है। रिपेंडेंस ये प्रायश्चित या पछतावा होता है भाई। ये क्या होता है? पछतावा होता है। पेनिटेंस, अब ये पेशेंस हो गया तो ये धैर्य में आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा भाई आप बताइए? आपका आंसर होगा सी, रिपेंटेंस आपका आंसर बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें क्या बन रहा है दोस्तों? हमारा आंसर इसके अंदर बन रहा है आपका रिपेंटेंस। इसको कॉट्राइट भी कहते हैं। आप एक वर्ड और ध्यान रखना, इसका मतलब भी क्या होता है? इसका मतलब भी होता है पछतावा। इसके लिए एक और वर्ड आता है, प्रायश्चित कह दो, अटोन फॉर। एक और वर्ड आता है अभी, क्या वर्ड आता है? अटोन फॉर। इसका मतलब भी यही होता है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो आपके सामने है, रिपरकशन। देखिए आप एक मिनट, आप इसको देखिएगा। रिपरकशन का मतलब क्या होता है, आप इसको समझिए जरा एक बार दोस्तों। इसका मतलब होता है आप किस चीज के प्रति क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्या देते हैं तत्काल, आपने क्या प्रतिक्रिया दी, क्या आपने इफेक्ट दिया इसके ऊपर। ये जनरली आता है प्रतिक्रिया के केस में। किस सेंस में आता है भी? प्रतिक्रिया के सेंस में। रिमाइंडर आप जानते हो, याद करने के लिए होता है। रिएक्शन प्रतिक्रिया होती है। रिकलेक्शन यादों का संग्रह होता है। रिकलेक्ट यादों को जमाना, याद करना, चीजों को दिमाग में लाना, मेमोराइज करना, इसको रिकॉल भी कह सकते हैं आप, रिकॉलिंग भी होता है ये। रिअरेंजमेंट आप जानते हो, चीजों को जमाना। तो आपका इसमें आंसर क्या बनेगा दोस्तों? हमारा इसके अंदर आंसर आपका बनेगा रिएक्शन। क्या आंसर बनेगा? रिएक्शन हमारा इसमें आंसर बनेगा। इज इट क्लियर? अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अब आपका यहां पे बन चुका है, फाइंड एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हमें इसका क्या ढूंढना है? एंटोनिम ढूंढना है, मतलब पर्यायवाची शब्द। ठीक है, अब आप देखिए जरा, अनफेंट क्या होता है? अनफेंट देखो, फेन जो वर्ड है ना, ये फेन का मतलब होता है छिपा हुआ या बहाने बनाया हुआ। तो सीधी सी बात है, इसका क्या बनना चाहिए आप देखिए जरा। फेन, अनफेन का उल्टा क्या होगा? जो क्लियर हो, जो क्या हो, स्पष्ट हो। इसका मतलब होता है स्पष्ट। क्लियर? इसका मतलब क्या होता है? स्पष्ट, राइट। अब एक्सप्रेसिव, ये भी स्पष्ट होता है। जेन्युइन, साफ, स्पष्ट, क्लियर, सही। ठीक है, ये भी एकदम शुद्ध होता है। जेन्युइन जो एकदम क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिंसियर, तुम जानते हो, ये भी स्पष्ट होता है या अच्छा इंसान होता है, सोबर होता है। अब प्रिटेंडेड क्या होगा, ये देखिए आप जरा। अनफ्रेंड क्या है? एडजेक्टिव है, तो प्रिटेंडेड क्या होगा? प्रिटेंडेड का मतलब होता है बहाना बनाने वाला। और हम यहां पे क्या देख रहे हैं? हम यहां पे ले रहे हैं एंटोनिम्स। तो सीधी बात है, आंसर आपका क्या बनेगा? प्रिटेंडेड बनेगा। प्रिटेंड होता है बहाना बनाना। क्लियर है? इसी में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप जरा देखिए, मीनिंग आप समझ चुके हैं। जेन्युइन असली के केस में आता है। सांप का मतलब यहां असली भी होता है, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आप आइए। फाइंड एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए शब्द का आपको क्या प्राप्त करना है? एंटोनिम प्राप्त करना है, राइट। अब देखिए फ्लेयर क्या होता है, इसमें आपको समझना है। फ्लेयर का मतलब क्या बनेगा आप देखिए? फ्लेयर का मतलब होगा, फ्लेयर आग के लिए भी आता है, फ्लेयर गन भी होती है, अब जब चमक के केस में आता है। अब यहां पे देखिए फ्लेम, ये भी चमक होती है, ग्लेयर भी चमक होती है, रेडिएट ऊर्जा देना होता है। तो इसमें एंटोनिम इसका क्या बनेगा? डार्कन। डार्कन वर्ब है डार्क की, ठीक है, तो डार्कनेस की वर्ब है, डार्क इसका एडजेक्टिव केस में आ जाएगा। आपका क्या बनेगा भाई? डार्कन आपका आंसर बनेगा।
क्लियर, छोटा सा वर्ड है फ्लेयर अप, किस चीज को बढ़ाना होता है। एक आपका फ्रेजल वर्ब है भाई, क्या है आपका फ्रेजल वर्ब है, इस चीज को ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वापस देखिए, फाइंड द करेक्टली और इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको क्या ढूंढना है, करेक्टली या इनकरेक्टली जो स्पेल्ड वर्ड है वो आपको ढूंढना है। देखिए चैनल, चैलेंज बिल्कुल सही है, सर्टिफिकेट बिल्कुल सही है, चैनल बिल्कुल सही है, चैंपियन की स्पेलिंग आप सब जानते हो क्या होती है, ION होगा, तो चैंपियन की स्पेलिंग गलत है, तो आपका आंसर क्या बनेगा दोस्तों, आपका आंसर बनेगा राइट, आपका आंसर इसमें आएगा। अब आप देखिए जरा नेक्स्ट, मीनिंग आप जानते ही हैं चैंपियन क्या होता है। फाइंड द करेक्टली और इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, वापिस से उसी का क्वेश्चन है, करेक्ट है या नहीं है। हेल्यूसिनेट क्या होता है, स्पेलिंग बिल्कुल सही है, हेल्यूसिनेट होता है दृष्टि भ्रम होना, आंखों को भ्रम हो जाना, हेल्यूसिनेशन इसकी नाउन है, सही है ये। स्ट्रक्चर आप जानते हो संगठित, हेलोवीन जानते हो एक डे आता है ये, हेलोवीन डे पूर्वजों का भूत से संबंधित होता है ये, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, हम लिखते हैं इसको क्लास में पढ़ते हैं। एलिमनी की स्पेलिंग आप देखिए थोड़ी सी रॉन्ग है, ये होता है तलाक भत्ता, क्या होता है ये तलाक भत्ता, बट इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी क्या है गलत है भाई दोस्तों, तो सीधी बात है आपका आंसर क्या होगा, इसमें सिंगल एल आएगा, आपको पता है एलिमनी में क्या आएगा, सिंगल एल आएगा, तो क्या बनना चाहिए एलिमनी, वो आपके सामने है स्पेलिंग राइट, ये आप एक बार आंसर समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फोर अल्टरनेटिव फाइंड द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द गिवन सेंटेंस वर्ड फ्रेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, आपको इस दिए गए शब्द का क्या लिखना है, वन वर्ड हमें इसमें चूज करना है। ए बुक आर सेट ऑफ बुक्स गिविंग इंफॉर्मेशन ऑन मेनी सब्जेक्ट्स आर ऑन मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ वन सब्जेक्ट एंड टिपिकली अरेंज्ड अल्फाबेटिकली, देखिए आप इसमें क्या बनना चाहिए, आप इसको एक बार हम लोग कवर करते हैं कि ये क्या बन सकता है, एक बार आप इसको देख लीजिएगा, क्लियर है, मैं थोड़ा सा हट रहा हूं ताकि आप इसको पढ़ सके। एक बुक या सेट ऑफ बुक्स जो कि इंफॉर्मेशन दे रही है कई सब्जेक्ट्स के ऊपर, कई तत्वों पर, कई एस्पेक्ट्स पर, वो क्या दे रहा है भाई, आपको इस चीज का बता रहा है जानकारी कि क्या होना चाहिए। थीसर्स, ग्लॉसरी, डिक्शनरी, एनसाइक्लोपीडिया, आप सब जानते हैं एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है, आप सबको पता है इसका मीनिंग क्या निकलता है, एनसाइक्लोपीडिया का मतलब क्या बनना चाहिए, आप एक बार आप पढ़ के देख लीजिए इसमें क्या बनेगा, क्लियर है, एनसाइक्लोपीडिया इसमें आपका आंसर होगा। थीसर्स आपका क्या होता है, एक किताब जो जानकारी देती है किस चीज के बारे में, सिंपल ग्लोसरी वर्ड्स होते हैं। डिक्शनरी आप सब जानते हो क्या होती है, डिक्शनरी जो कि स्पेलिंग से रिलेटेड होती है, एक लैंग्वेज में जितने भी वर्ड आते हैं उनको कौन देता है, तो आंसर आपका आएगा जानकारी की किताब कौन सी होती है, जानकारी देने वाली पुस्तक एनसाइक्लोपीडिया होती है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप देखिए इसी में, 83 आपके सामने है, वही वन वर्ड का क्वेश्चन है, person who moves from one place to another with intention of finding work and setting permanently or temporarily at a new location, ये चारों ही गजब वर्ड है भाई, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, चारों के चारों शानदार वर्ड्स, एक बार आप इनको समझिए क्या कहना चाह रहे हैं ये वर्ड्स। देखिए क्या बनना चाहिए इसके अंदर, बैकग्राउंड भिखारी के लिए आता है, बेगर के केस में जो भटकता रहता है, नोमाड, नोमाड एक ऐसे ग्रुप का व्यक्ति होता है जो खाना बदोश होते हैं, इसको आप वेगाबोंड भी कह सकते हो, इसके लिए एक और वर्ड आता है वेगाबोंड, खाना बदोश होते हैं, और ये इनका ग्रुप ही ऐसा है क्योंकि रहते ऐसे हैं। टेम्प आवारा होता है, भटकने वाला, इसमें उसका आप इसको आवारा कह सकते हो, फालतू भटकने वाला होता है। अब ये कह रहा चाह रहा है कि एक पर्सन जो दूसरी जगह सेटल होना चाहता है उसको, मतलब उसका उद्देश्य अच्छा है, अगर उसका उद्देश्य अच्छा है तो सीधी बात है क्या आएगा, माइग्रेंट आएगा, माइग्रेंट होता है प्रवासी, क्या होता है माइग्रेंट, प्रवासी। नोमाड आप जानते हो, इसको वैगाबोंड भी कहते हैं, आप किसी भी केस में इसको ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 84 आपके सामने है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन Out of the four alternatives, select the alternative which is the best substitute of the idiom and phrases on the horizon. Horizon आप सब लोग जानते हैं क्या होता है? Horizon का मतलब होता है शीर्ष पर, upper part पे. On the horizon क्या बनना चाहिए जरा देखिएगा आप लोग. On the horizon का
an event that is likely to happen soon, an event that is likely to end soon, a plan for the distant future, the successful beginning of something. क्या आना चाहिए बताइएगा भी जरा. एक ऐसी प्लानिंग जो होने वाली है, an event that is likely to happen soon. हम कह सकते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वार ऑन द होरिजन है, मतलब हो सकता है हो जाए. तो उस केस में क्या आंसर आएगा आपका? आपका आंसर बनेगा दोस्तों 84 में ए. अगला क्वेश्चन देखिए आप, 85 क्या कहना चाह रहा है. वही सेम इडियम है आपके सामने. क्या है? सेम इडियम है. ड्रॉ द लाइन एट समथिंग, किसी के ऊपर लाइन खींचना. क्या करना? लाइन खींचना. ड्रॉ द लाइन का मतलब क्या होगा जरा देखिएगा आप. मेकिंग पेंसिल स्केच बन सकता है क्या? पेंसिल स्केल्स को आप मैचिंग करोगे नहीं तो इसमें कैसे बनना चाहिए बताइए अभी जरा. कैसे आप इसको कवर कर सकते हैं? क्लियर है? देखिए जरा आप इसमें क्या आना चाहिए. क्लियर? कमिंग टू ए कंक्लूजन, निष्कर्ष पे जाना, एग्रीइंग टू एन आइडिया, एक्सेप्ट समथिंग अप टू ए पर्टिकुलर पॉइंट. किस चीज को क्या करना? समझना. एक पर्टिकुलर पॉइंट से लाइन खींच देना कि भाई यहां से ये चीज हमारे जम रही है या हमें अच्छी लग रही है, हमारे हिसाब से ये सही है. इसको आप किसमें लोगे? इस पॉइंट के अंदर मानोगे. तो आंसर आपका क्या बनना चाहिए वो आप समझ लीजिएगा. आंसर आपका बनेगा डी, ड्रॉ द लाइन. हम कहते हैं ना कि यहाँ पे लाइन खींच दो, मतलब यहां से चालू हो जाएगी चीज. इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द सेंटेंस गिवन विद अंडरलाइन ब्रैकेट पार्ट इज फिल्ड, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द फोर एंड इंडिकेटेड बाय सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन. आपको सही ऑप्शन इसमें चुनना है. सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है. मैं आपको यहां पे इसको बेटर ढंग से अंडरलाइन कर देता हूं. बाय नियरली वो कह रहा है कि ये क्या है. क्या बोल रहा है वो? बाय नियरली. ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स द बियर, बियर होते हैं भालू, गो विदाउट फूड बाय नियरली 6 to 7 months. 6 to 7 महीने तक बिना खाने के भालू, ऐसा मिथ है कि वो लोग बिना खाने के रहते हैं. इसलिए पहले खाना स्टोर कर लेते हैं, पहले खा लेते हैं. उसको बहुत सारा खाना पड़ता है क्योंकि सर्दियों में वो आराम करते हैं. जिसको हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा होगा, हाइबरनेशन. जानते हो हाइबरनेशन क्या होता है? शीत निद्रा होती है. क्या होती है? शीत निद्रा. अब आप देखिए बाई नियरली का मतलब क्या है. नो सब्स्टिट्यूशन, नहीं, बाई नियरली नहीं बनेगा. फ्रॉम ऑलमोस्ट फॉर क्वाइट, फॉर ऑलमोस्ट लगभग. क्या मीनिंग बनेगा इसका? लगभग. क्या मीनिंग बनना चाहिए? लगभग. फॉर ऑलमोस्ट, तो आंसर आपका क्या बनेगा? लगभग इतने दिनों तक ये लोग ऐसा करते हैं. क्लियर? अगला क्वेश्चन आप देखिए इसी का. बियर साहब जानते ही हो. वंस बाय बीरबल वॉज फॉरबिडन फॉर अटेंडिंग द किंग्स फ्री लंच. अब देखिए फॉरबिड मना करना, तो ये इसके साथ फिक्स है. फॉरबिड के साथ फ्रॉम आता ही नहीं है. फॉरबिड के साथ एक ही चीज आती है, फ्रॉम. फॉर नहीं आता है तो क्या आएगा? फिक्स है ये, आपको समझना पड़ेगा. फ्रॉम आता है. वंस बीरबल वॉज फॉरबिडन फ्रॉम अटेंडिंग द किंग्स फ्री लंच. ठीक है, और आंसर क्या आएगा आपका इसमें? आपका आंसर आएगा सी. अगला क्वेश्चन आप देखिए भी जरा. ये हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है. कौन सा क्वेश्चन है? फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन. आप पढ़ लीजिए एक बार इसको. क्वेश्चन नंबर 88. बेंगलुरु इज अ ब्यूटीफुल सिटी विच द मॉडर्न विद द ट्रेडिशनल. बेंगलुरु एक बहुत ही सुंदर शहर है. बेंगलुरु एक बहुत ही अच्छा शहर है जो किस किस चीजों का मिश्रण रखता है? ट्रेडिशनलिज्म भी है और मॉडर्निटी भी है. दोनों चीजें इसके अंदर मिक्स है. तो अब आप देखिए इसमें ऑप्शन क्या आना चाहिए. चार ऑप्शन आपके सामने है. ठीक है, पढ़ चुके हैं आप इस चीज को. शेयर्स, ग्रोज, ब्लेंड्स, ब्रेक्स. ब्रेक तो तोड़ना होता है, तो ये तो कोई मीनिंग बनने वाली बात लग नहीं रही है. ग्रो वृद्धि करना, शेयर शेयर करना हिस्सा रखना. लेकिन यहां पे एक और बहुत अच्छा वर्ड है, ब्लेंड. ब्लेंड होता है मिक्स, मिश्रण होना. ब्लेंड विविधताओं के लिए आता है, हालांकि कलर्स के लिए भी आता है. तो आंसर क्या बनेगा भाई? ब्लेंड. अभी एक तरह से दो रंग है ये, एक तरह से दो क्वालिटीज है. मॉडर्न लोग भी रहेंगे और ट्रेडिशनल लोग भी रहेंगे, तो दोनों के सेंस में क्या आना चाहिए भाई? ब्लेंड आना चाहिए. क्लियर है? तो मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल दोनों चीजें आपके सामने है. क्लियर है? अगला सेंस देखिए आप एक बार. सेम वही है, फिलर्स हैं. फिल इन द ब्लैंक्स हमें पढ़ना है. क्लियर? द कंपनी गेव इट टू द डिमांड्स ऑफ द एम्प्लॉय एज इट फाउंड द डैम. अब ये गेव इन क्या है? ये होता है सरेंडर करना. फ्रेजल वर्ब है. क्या है ये? फ्रेजल वर्ब है. गिव इन, इसको आप कहोगे सरेंडर.
हार मान जाना, आत्मसमर्पण करना, कैपिचुलेट, ठीक है। इसके लिए आप सकम भी यूज कर सकते हो, इसके लिए आप यील्ड भी यूज कर सकते हो, सब एक ही मीनिंग होते हैं, आत्मसमर्पण करना। और जब आप सॉरी गिव इन का मतलब, ठीक है, कंपनी ने जो डिमांड्स थी वर्कर्स एम्प्लॉइज की, उसके सामने हार मान ली, मतलब वो मान गए। क्यों मान गए? क्योंकि उन्होंने पाया कि उनकी डिमांड एकदम क्या थी भाई, कैसी थी बताओ। अब वही तो पूछ रहा है कि डिमांड कैसी है। तो अब आप देखिए जरा कैसी डिमांड है। फॉर्मिडेबल, इरेशनल तो इलॉजिकल होता है, अतार्किक। इरेशनल क्या होता है? अतार्किक होता है भाई, इलॉजिकल, इलीगल, अवैध होता है, नहीं। फॉर्मिडेबल जिसको आप ना माने, लेजिटिमेट होता है, वैध, सही, राइट, जस्टफुल, जस्टफुल। और इसलिए इसमें आंसर क्या बनना चाहिए, सॉरी बी आंसर आपका बनेगा। क्या आंसर बनेगा भाई आपका इसमें? लेजिटिमेट में आपका आंसर बनेगा जो कि कानून के अनुसार सही है। किसके अनुसार सही है? कानून के हिसाब से आपके एकदम राइट है। क्लियर? इसे में देखिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव एरर्स, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर एंड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ओके, आई एम हियरिंग एक्सटेंस नॉइज नाउ, मैं एक अजीब आवाज सुन रहा हूं। ध्यान दीजिए, हियर आपको पता है वो वर्ब है जिसमें आप आईएनजी नहीं लगा सकते, स्टैटिक वर्ब है। हियर का मतलब सुनना होता है, बट अगर आपने हियरिंग कर दिया तो इसका मतलब होगा जज के द्वारा सुनवाई करना। किसके द्वारा? जज के द्वारा सुनवाई करना। और आई एम हियरिंग ए स्ट्रेंज नॉइज नाउ, सीधी बात है, एरर किस पार्ट में है? अच्छा, इस कंडीशन में हम करें क्या? अगर मान लो कंटिन्यूअस टेंस आ गया तो उसके पिछले टेंस में बदल दो। अगर इंप्रूवमेंट में होता तो बताइए क्या बनता? आई हियर, आई हियर ए स्ट्रेंज नॉइज नाउ, ठीक है। आपको इस चीज को समझना है कि फिर आप इसको किस में बदल देते। तो सीधी बात है, एरर किस पार्ट में है वो आप समझ लीजिए। क्लियर? आपको इस चीज को मानना पड़ेगा कि एरर किस पार्ट में आपका आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। द सन राइजेज एट 35 PM यस्टरडे मॉर्निंग, 36:35 द सन राइजेज। अब देखो यस्टरडे अगर आ रहा है, कल देखो, अगर ये टाइम नहीं होता तो पंगा हो जाता, बट जब टाइम आ गया तो इसका मतलब पक्का क्या होगा, क्योंकि ये वेरी करता है, ये बदलता रहता है। तो सीधी बात है, अब आपको वर्ब को चेंज करना पड़ेगा और वर्ब राइजेस की जगह क्या हो जाएगी? रोज, ठीक है, क्या हो जाएगी? तो एरर किस पार्ट में है? कल, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है। एरर किस पार्ट में है? राइजेस की जगह आप क्या करोगे? आप करोगे रोज। और राइज आप जानते हो सब लोग क्या होता है, राइज जगना, सेकेंड फॉर्म रोज होती है, उदय होना, सॉरी। अच्छा, इसमें ए लगा दोगे तो अराइज हो जाएगा, ए लगाओगे तो क्या आ जाएगा इसमें आपका? अराइज हो जाएगा, सॉरी, अराइज होता है जगना, चार वर्ब बनती हैं। तो एरर किस पार्ट में है वो आपके सामने है, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 92 आपके सामने है, एक बार आप पढ़ें इसको। देखिए क्या क्वेश्चन है। In the following question, a sentence has been given. In direct or indirect speech, out of the four alternatives suggested, select the one which best expresses the same sentence in indirect and direct speech. The commander ordered his battalion to march on. March on, आगे बढ़ने का आदेश दिया battalion को, ठीक है। अब ये आपके पास indirect है already, हमें इसका direct बनाना है। The commander says to his battalion, please march on. नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि please आ रहा है, order में ये कोई काम ही नहीं करता है। The commander says, अब says और फिर ordered कैसे होगा, तो ये इसलिए ये भी गलत है। Gives, answer आपका आएगा second, कौन सा answer बनेगा भी? आपका answer बनेगा second, right? March on, the commander said to his battalion. तो आपको इस बात को समझना।
अगला क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव और पैसिव वॉइस, आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव और एक्टिव. डू नॉट टेक द कोस्टल रोड ड्यूरिंग मानसून्स. ओके, मानसून के दौरान कोस्टल एरियाज के जो रोड है वो ना ले, समुद्री तटीय क्षेत्रों में या उनके रास्तों पर ना जाए, ये कहना चाह रहे हैं. देखो सीधी बात है, डू नॉट टेक है तो आपको यहीं से बनाना पड़ेगा. अब पैसिव बनाइए, आपका क्या नहीं लेना है, ये भी आपका ऑब्जेक्ट है. यू आर नॉट टेकिंग, इसका कोई मतलब नहीं है. यू विल नॉट टेक, इसका भी कोई मतलब नहीं है. अब आप देखिए टेंस कौन सा है, ये एडवाइस वाला है, तो एडवाइस वाला तो इज नॉट बीइंग का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएगा. आंसर आपका कौन सा बन रहा है, कोस्टल रोड शुड नॉट बी टेकन ड्यूरिंग मॉनसून, कोस्टल रोड्स को यूज नहीं किया जाना चाहिए मानसून के दौरान, ये इसमें कहना आपको चाह रहा है. ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन ये बन चुका है. इज इट क्लियर? अब आप आइए नेक्स्ट पॉइंट पे. राइट है, अगला क्वेश्चन देखिए. Rearranging the parts of rearrange the parts of the sentence in correct order to make it meaningful paragraph. ठीक है, ये आपका आ गया सेंटेंस रीअरेंजमेंट. दो क्वेश्चन आपके पीरी में आते हैं, मेंस में भी आप इसको फेस करते हो. आजकल इसके कई बार पैटर्न भी बदल रहे हैं. और देखो इसका तरीका क्या, हमने पहले पिछले पेपर्स में भी बात की थी. इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप इजीली एलिमिनेशन काम कर सकते हैं. दो लास्ट कनेक्ट कौन से करेंगे, मैंने आपको एक बार कहा था कि आप इसमें एक चीज समझ सकते हैं कि कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जिनसे वाक्य की शुरुआत नहीं हो सकती. ठीक है, जैसे मैंने आपको, मैं फिर समझा देता हूं, मैंने उस दिन भी कहा था, इस बात को आप ध्यान रखें. नाउ से वाक्य की शुरुआत नहीं होगी, अब इसका मतलब पहले क्या था. ठीक है, एंड से वाक्य की शुरुआत आप नहीं कर सकते, सीधी सी बात है. तो डी से आप ऑप्शन शुरू नहीं कर सकते. अब आप देखिए शुरुआत आप किससे करोगे, मान लीजिए हमें यह समझ में नहीं आ रहा कि पता नहीं किससे करेंगे. हमें दो ऐसे देखने हैं कि जो किसके बाद आएंगे, एक दूसरे के साथ आएंगे. ठीक है, अब जरा देखिए, ए पढ़िएगा आप एक बार. एंड दिस वन इज द अर्लियर इंडिया वाज पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, और दिस वन इज दैट अर्लियर, इससे पहले भारत क्या था, पार्ट ऑफ प्रॉब्लम था, भारत समस्याओं का हिस्सा था. एंड नाउ इट इज ट्राइंग टू बी द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन. ये दोनों एक दूसरे के बाद आएंगे, एक के बाद डी आएगा, ये कंफर्म है. और किस किस ऑप्शन में एक के बाद डी आ रहा है, जरा पढ़िएगा. और अब आप इसको जोड़ के देख लीजिए, आंसर यही बनेगा. पढ़िए आप एक बार जरा, क्या आंसर बनना चाहिए, आप इसको एक बार कवर करिएगा भाई, क्या आंसर बनना चाहिए. India is celebrating this Independence Day with an aura of external responsibilities like never before. भारत इसको एक ओरा, ओरा जानते हो आप, हालो भी कहते हैं इसको. इसको क्या कहते हैं, हालो, डेकोरम, प्रकाश, पुंज. ठीक है, India is celebrating this Independence Day with an aura of external responsibilities like never before. भारत इस इंडिपेंडेंस डे को कैसे मना रहा है, बाहरी जिम्मेदारियों के साथ मना रहा है. अब हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोगों के लिए सोल्यूशन दे रहे हैं, हम बड़े पार्ट बन गए. ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन मेनी प्रीवियस अगस्त 15 सेलिब्रेशंस एंड दिस वन इज द अर्लियर इंडिया वाज पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, नाउ इट इज ट्राइंग टू बी द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन. हम लोगों के सॉल्यूशन कर रहे हैं, पहले हम समस्या क्रिएट करते थे, अब हम सॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं. तो आंसर आपका क्या बनेगा, सी बनेगा. क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखिए, सेम यही है. वापस से आप एक बार इसको पढ़िएगा कि वो कहना क्या चाह रहा है. इज इट राइट, क्या बनना चाहिए देखिए. अब वही बात है, विच हैड क्रॉप्ड अप ओवर द इयर्स एंड बोथ प्लेसेस ऑफ पिलग्रिम हैवी रेन एंड द मेल्टिंग ऑफ चोराबारी ग्लेशियर अबव केदारनाथ. केदारनाथ में जो घटना हुई थी 2013 में, उसकी बात कर रहा है शायद. इसमें वही करना हमें, देयर वर 12,000 पिलग्रिम्स एट दीज प्लेसेस. देखो मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप बीच से वाक्य की शुरुआत नहीं कर सकते. द रिवर हैज कम डाउन टू क्लींज उत्तराखंड ऑफ इट्स ग्रीट. This is how a venerable old villager reacted to the horrific disaster which engulfed Kedarnath and Badrinath in 2013. ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में से जुड़ कौन सा रहा है. क्लियर है, हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि इन दोनों में से जुड़ कौन सा रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा. क्लियर है, देखिए यहां पे एक लाइन आ रही है, बोथ प्लेसेस ऑफ पिलग्रिम
विच हैड क्रॉप्ड अप ओवर, इससे पहले क्या आना चाहिए, हैवी रेन एंड मेल्टिंग ऑफ द चोरावरी ग्लेशियर अबव केदारनाथ, बोथ प्लेस की बात हो रही है और दोनों के नाम पहले दिए गए हैं, केदारनाथ ठीक है एंड बद्रीनाथ। तो क्यू की बात पी कहीं पे आ रहा है क्या, और लास्ट में फिर आ रहा है 12,000। देखो एंड तो सिर्फ सीधी बात इसी से होगा, एस से होगा, तो एस कहां कहां एंड हो रहा है, एस इन तीन में एंड हो रहा है, चलो एक खत्म हो गया। अब तो हमें ये देखना है कि शुरुआत क्यूपीआरएस क्यूआरपीएस, क्यू से हो सकता है क्या, हैवी रेन एंड द मेल्टिंग ऑफ द चोरावरी ग्लेशियर अबव केदारनाथ अनलीश एन एंग्री डेलीज ऑफ, डेलीज होता है बाढ़, और वाटर मड एंड बोल्डर्स विच रिएक्ट्स रीज डाउन रेज डाउन फ्रॉम द केदारनाथ टू बद्रीनाथ एंड बियॉन्ड डिस्ट्रॉइंग सेवरल गेस्ट हाउसेस। अब देखो आप शुरुआत, द रिवर हैज कम डाउन टू क्लींस उत्तराखंड ऑफ इट्स ग्रीड, दिस इज हाउ ए वल्नरेबल ओल्ड विलेजर रिएक्टेड टू द हॉरिफिक डिजास्टर विच एनगल्फ केदारनाथ एंड बद्रीनाथ इन 2013। देखो शुरुआत होगी आर से, एक वहां का लोकल बंदा विलेजर ये कह रहा है कि उत्तराखंड में जो जो उत्तराखंड की जो क्या थी, लालच था, उत्तराखंड का जो क्या था, लालच था, उसको निकालने के लिए क्या है, वो नदी नीचे आ गई। तो आर के बाद आएगा क्यू, आर के बाद क्या आएगा, क्यू विच हैड क्रॉप्ड अप, विच किसके लिए आ रहा है, नदी के लिए। तो सीधी बात है आपको इससे सीधा जोड़ना पड़ेगा, हैवी रेन एंड मेल्टिंग, और इसके बाद ये दोनों चीजें बनेगी, आंसर आपका बनेगा आरक्यूपीएस, जोड़ के देख लीजिए यही आंसर होगा। मैं एक बार पूरे को पढ़ देता हूं ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाएगी कैसे आंसर आपका बन रहा है, ठीक है ना। शुरुआत आपकी होगी, द रिवर हैज कम डाउन टू क्लींस उत्तराखंड ऑफ इट्स ग्रीड, दिस इज हाउ ए वल्नरेबल वल्नरेबल ओल्ड विलेजर रिएक्टेड टू द हॉरिफिक डिजास्टर विच एनगल्फ केदारनाथ एंड बद्रीनाथ इन 2013। अब इसके बाद क्या बनेगा, क्यू हैवी रेन एंड द मेल्टिंग ऑफ द चोरावरी ग्लेशियर अबव केदारनाथ अनलीश एन एंग्री डेलीज ऑफ वाटर मड एंड बाउल्डर्स विच रेस्ट डाउन फ्रॉम द केदारनाथ टू बद्रीनाथ बियॉन्ड, उसके बाद बनेगा विच हैड क्रॉप्ड अप ओवर द ईयर्स ऑफ बोथ प्लेस पिलग्रिम। अब देखो पिलग्रिम की बात यहां हो रही है और पिलग्रिम को इससे जोड़ रहा है ये, तो आपको सीधी बात आरक्यूपीएस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आरक्यूपीएस आपका इस पे आंसर बनेगा, दोनों आप जोड़ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, देखिए क्लोज टेस्ट आपके सामने, आई डू नॉट नो हाउ द पार्टी एंडेड, मैं नहीं जानता हूं पार्टी का एंड कैसे हुआ, मुझे पता ही नहीं है, आई डोंट नो हाउ द पार्टी एंडेड, मुझे पता नहीं पार्टी कैसे एंड हुई, आई डू नॉट वॉन्ट टू नो, और मैं जानना भी नहीं चाहता, ठीक है ये कहना ही चाह रहा कि मैं जानना भी नहीं चाहता कि पार्टी का एंड कैसे हुआ, राइट। एक बार देखिए आप इसको, अब इसी में आप आइए, आई वेंट अप स्टेयर्स, मैं ऊपर गया, अप स्टेयर्स गया, कैसे गया आप देखिए, ऑप्शन ओवर अप स्टेयर्स नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी प्रीपोजिशन आ रहा है, इसमें तो एडवर्ब चाहिए हमें, ओवर कैसे आएगा, थ्रू भी नहीं आएगा, राउंड भी नहीं आएगा, आंसर आपका आएगा स्ट्रेट अप, क्योंकि अप आ रहा ऑलरेडी, मैं सीधा सीढ़ियों के ऊपर गया, ठीक है, एंड अनड्रेस्ड, और मैंने ड्रेस जो पहन रखी थी उसको मैंने उठाया, ठीक है, क्लोथ्स जो पहन रखे थे, एंड इनटू बेड, और बिस्तर में है, देखिए जी ना, ये नाउड होता है, नाउ का मतलब कुतरना होता है, ठीक है, लर्च का मतलब क्या होता है, लड़खड़ाना होता है, लुढ़कना भी कह सकते हो उसको, बेटर लुढ़कना बोलो आप, लुढ़कना, पीप, पीप का मतलब होता है ताका झांकी करना, पीप का मतलब क्या होता है भाई, ताका झांकी करना, क्लियर, ताका झांकी करना, क्राउल अंगड़ाई लेना, क्राउल क्या होता है, अंगड़ाई लेना, थक गया था या पता नहीं ड्रंक था, कंडीशन पता नहीं है, लेकिन वो बंदा उस पर क्या किया भाई उसने, आप सोचो जरा क्या बनना चाहिए इसके अंदर, तो आप देखिए इस पर उसने क्या किया भाई, क्राउल्ड किया, मतलब वो अंगड़ाई ली, उसने बिस्तर में लेट गया, एंड ले देयर इन द बर्निंग डार्क व्हाइल द लास्ट गेस्ट गर्गल्ड, व्हाइल द लास्ट गेस्ट गर्गल्ड इन द हॉल बिलो अबाउट द वंडरफुल इवनिंग शी हैड स्पेंट। मैं क्या हुआ उस बर्निंग डार्क में, उस रोशनी भरी शाम में मैं क्या हो गया, बर्निंग का मतलब यहां रोशनी से, मैं क्या हो गया, वो बंदा जो है वो कह रहा है कि मैं सो गया या मैं निढाल होकर गिर गया, जबकि जो लास्ट गेस्ट था वो गर्गल कर रहा था, इसका मतलब गार्गल करना, ये गार्गल के अर्थ में आता है, बात करना, बड़ा बटड़ा के बोलना, इन द हॉल बिलो अबाउट द वंडरफुल इवनिंग सी हैड स्पेंट, ठीक है, आई ले देयर, मैं वहां लेटा था, मैं वहां लेट गया, ले जानते हो लाई की सेकंड फॉर्म होती है लेटने की, लाई ले लेन, मैं वहां लेट गया, वाहिल जबकि द फ्रंट डोर शट आफ्टर हर एंड लेविनाज स्टेप केम अप द स्टेयर्स, मैं वहां लेट गया जबकि जो फ्रंट डोर था वो बंद हो गया,
तो व्हाइल आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, टू आर्स होना चाहिए था लेकिन आंसर आएगा व्हाइल, जबकि जो फ्रंट डोर था वो बंद हो गया कब, जब उसके उस मैडम के और लेविना के स्टेप्स ऊपर आए उसकी आवाज के बाद, एंड पास द डोर टू द गेस्ट रूम बियॉन्ड, और गेस्ट रूम के डोर के बियॉन्ड वो पास हो गया, ठीक है। एंड देन आफ्टर ए कपल ऑफ सेंचुरीज, अब देखिए अब ये सीधा कहां पहुंच गया है, पता नहीं कहां की बात कर रहा है, उसके बाद ए कपल ऑफ सेंचुरीज कुछ दशकों बाद की बात कर रहा है, टाइम की बात कर रहा है, गुजर गए सोने की नींद में, सेंचुरीज की बात कर रहा है, गुजरे में ही है बट ये बता रहा है। क्रॉस इरोड, इरोड मैंने बताया था आपको, आप जानते हो इरोड होता है धीरे धीरे ढहना, परसिस्ट जारी रखना, परसिस्टेंट सतत प्रयास, इरोड होता है ढहना धीरे धीरे, डेमोलिश होता है अचानक ढहना, इलेप्स, लैप्स होता है समय बीत जाना, क्या हो जाना, जब आप सो रहे हो तो सदियां बीत गई उसकी बात कर रहा है, तो आंसर इसमें क्या बनेगा, इलेप्स, इलेप्स का मतलब होता है बीत जाना, गुजर जाना। द क्लॉक स्ट्रक थ्री, तो दो सदियां गुजर गई, कपल ऑफ सेंचुरीज इलेप्स या पास्ट गुजर गई, और लास्ट में क्या कह रहा है, द क्लॉक स्ट्रक थ्री एंड आई टू स्लीप, तीन बज गए और मैं क्या सोने को चला। तो देखो डोजोप ऊंघना होता है, डोजोप क्या होता है, ऊंघना, कॉल ऑफ रद्द करना, टेक ऑफ शुरुआत करना, स्टार्ट, पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना है किसी चीज को रोक के किसी काम पे जाना, पुट ऑफ होता है स्थगित करना, तो आंसर इसमें क्या बनेगा, आई पुट ऑफ, मैंने सब कुछ स्थगित किया, बातें बातें हो रही होगी जो भी है, और स्लिप पे मैं चला गया, ये कहना चाह रहा है, ठीक है, ये आपका आंसर होता है, और ये आपके आज के टेस्ट का टोटल सॉल्यूशन आपके सामने है दोस्तों, 193 का ये सॉल्यूशन था। नेक्स्ट पे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और जुड़े रहिए मदर्स एजुकेशन आपके साथ, थैंक यू।